गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें तमाम ऐसी जानकारी नियम हम आपको बताने वाले हैं जो आपको पालन करना बेहद जरूरी है। करवा चौथ वाले दिन पर आपको निश्चित ही इन चीजों का पालन करना चाहिए। अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी इन चीजों की सावधानियां आपको रखनी चाहिए। आज आपको चंद्रदेव को देख करके एक ऐसा दिव्य मंत्र बोलना है जिससे आपके जीवन का सौभाग्य चमक जाए, आपके पति का सौभाग्य बदल जाए, जिससे आपके जीवन में हमेशा शीतलता बनी रहे, अवगुण आपके पास आने से डरे, अवगुण आपसे कोसों दूर रहे, पति पत्नी के संबंध मधुर रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और आपकी काया हमेशा निरोगी रहे। कार्तिक मास की शुरुआत 21 अक्टूबर यानी कि गुरुवार से हो गई थी। कार्तिक मास का पहला पर्व यानी कि करवा चौथ का महापर्व 24 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ेगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। उनके सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ के दिन निर्जल रह करके व्रत रखती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता की पूजा करती हैं और रात में गणेश जी, शिव जी, माता पार्वती की पूजा करती हैं और रात के समय चंद्रोदय के समय चंद्रदेव के दर्शन करके पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करके फिर पति के हाथों से जल ग्रहण करती है और व्रत का पारणा करती है। व्रत के कई ऐसे नियम हैं, काफी कठिन व्रत कहा जाता है वैसे तो। इस बार 5 साल बाद करवा चौथ पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। करवा चौथ की पूजा इस बार रोहिणी नक्षत्र में की जाएगी। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत बहुत ही सावधानी और नियम के साथ किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिसका ख्याल रखना, जिसका ध्यान रखना आपको बेहद जरूरी है। भूल कर भी आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं करनी है। कहते हैं कि करवा चौथ की जो शुरुआत होती है वो सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। ध्यान रखें, देर तक सोए नहीं, आपको सोना नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी, आपको आज के दिन फोकट में फालतू में सोना नहीं चाहिए। करवा चौथ का व्रत करते हैं तो पूजा पाठ भी करेंगे। काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अशुभ माना जाता है। हो सके तो लाल रंग के कपड़े ही आपको पहनना चाहिए। काले रंग के रबड़ भी आपको यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आप जो है लाल रंग का इस्तेमाल करें। लाल रंग प्यार का प्रतीक है और पति पत्नी में प्रेम का प्रतीक जो लाल रंग है वो हमेशा प्रेम बढ़ाता है और आज के दिन तो ये त्योहार ही ऐसा है जो पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाता है। तो आज के दिन काले रंग का इस्तेमाल भूल कर भी आपको नहीं करना है। इस पवित्र दिन में आपको तो सोना नहीं है, अगर आपके पति सो रहे हैं तो उनको आपको जगाना भी नहीं है। आप आपके बच्चों से कह करके जगवा दें लेकिन आपको खुद को उन्हें जगाना नहीं है। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन किसी को भी सोते हुए व्यक्ति को नींद से जगाना अशुभ माना जाता है। तो आपके पति को आपको उठाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। करवा चौथ पर सास द्वारा दी गई सर्गी शुभ मानी जाती है। कई लोगों की सास नहीं होती है तो वो अपनी बहन से भी ले सकती हैं या किसी और से भी ले सकती हैं या खुद खरीद कर भी खा सकती हैं। सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान भी देती है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही सर्गी का भोजन कर लिया जाता है। कई जगह सर्गी खाई जाती है, कई जगह नहीं खाई जाती है। पंजाब में खाई जाती है, बनिए नहीं खाते हैं। तो जो भी आपके व्रत नियम हैं उसका आपको पालन करना है और निर्जल रह करके इस व्रत का पारणा करना है, पति की लंबी आयु के लिए कामना करना है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी भाषा पर नियंत्रित करना चाहिए। महिलाओं को इस दिन घर में किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए, साथ ही पति के साथ भी प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। कोई भी पुरानी बातों को लेकर के बैठना नहीं चाहिए इस दिन और आपको पति से प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत के दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर आप झगड़ लेते हैं तो व्रत का फल नहीं मिलता है। पति पत्नी को जो भी गिफ्ट दे या पत्नी पति को जो गिफ्ट दे तो दोनों को वो गिफ्ट रख लेना चाहिए। कुछ भी उसमें बोलना नहीं चाहिए कि हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो चाहिए। इस बात पर भी आपको झगड़ा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप व्रत कर रहे हैं। अगर व्रत का नियम का पालन आप करते हैं, क्रियाएं ढंग से करते हैं तो ही व्रत का फायदा आपको मिलता है। मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो, ऐसी भावना के साथ आपको ये व्रत करना है। कहते हैं कि इस दिन सफेद चीजों का दान भूल कर भी आपको नहीं करना है। सफेद चीज जो है वो चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। सफेद कपड़े, सफेद मिठाई, दूध, चावल, दही आदि को भूल कर भी किसी को भी आज के दिन आपको दान नहीं करना है। इस दिन सुहागन महिलाएं यह उपवास अपने पति के प्रति समर्पित होकर के उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है।
इस दिन महिलाएं कथा सुनती है और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। प्रेम, त्याग व विश्वास के इस अनोखे त्योहार पर महापर्व पर मिट्टी के बर्तन में यानी कि करवे की पूजा का विशेष महत्व है, जिससे रात्रि में चंद्रदेव को आप जल अर्पण करेंगे। नारद पुराण के अनुसार महिलाएं 16 श्रृंगार करके स्वयं काल में भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रदेव का पूजन विधि पूर्वक करते हैं और नैवेद्य अर्पित करते हैं। इस दिन आपको शिव परिवार को प्रसन्न करना है और चंद्रदेव को प्रसन्न करना है। रात्रि के समय चंद्रदेव का दर्शन करके यह मंत्र आपको पढ़ना है। ध्यान रखें, आप चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं तब ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें और उसके बाद आपको रुकना है और चंद्रदेव को निहारना है, और चंद्रदेव को निहारते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार आपको इस मंत्र का जाप इस दिन अवश्य करना चाहिए। सौम्य रूप महाभाग मंत्र राज द्विजोत्तम मम पूर्व कृतम पापम औषधीश क्षमस्व मे, अर्थात हे मन को शीतलता पहुँचाने वाले सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी मंत्र एवं औषधियों के स्वामी चंद्रमा मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए सभी पापों का क्षय करें, मुझे माफ करें, मेरे परिवार में सुख शांति का वास हो। आपकी कृपा से ही जीवन में शीतलता आएगी, मन में शीतलता आएगी और शीतलता आने के बाद ही मेरा जीवन धन्य बनेगा। ऐसे शुभ भावों के साथ इस महामंत्र का आपको जाप करना है, कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 11 बार। चांद में सुंदरता, सहनशीलता, प्रसिद्धि और प्रेम जैसे सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए सुहागन महिला छन्नी से पहले चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। वो चंद्रमा को देख करके यही कामना करती है कि उनके भी पति में चंद्रमा जैसे गुण आ जाए। माँ पार्वती उन सभी महिलाओं को सदा सुहागन होने का वरदान देती हैं, जो पूर्णतः समर्पण और श्रद्धा विश्वास के साथ यह व्रत करती हैं। पति को भी चाहिए कि पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप मानकर उनका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के प्यार और समर्पण भाव के बिना यह व्रत अधूरा होता है। ध्यान रखें, यह व्रत जो 24 अक्टूबर को है, इस दिन आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ इस मंत्र का जाप तो आपको करना ही चाहिए। ध्यान रखें, अगर आप व्रत नहीं करते हैं, कई लोग व्रत नहीं करते हैं, तो उन लोगों को भी चंद्रमा को देख करके चंद्रमा को आज के दिन अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रमा को देख करके इस मंत्र का जाप करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि व्रत तो करना ही चाहिए, शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन विधि पूर्वक अगर आप व्रत करते हैं तो ही आपको फ़ायदा मिलता है, नहीं तो आप व्रत बिल्कुल भी न करें। देखिए, लाल गुलाब भी आप आज के दिन उपहार में दे सकते हैं। लाल गुलाब जो है वो पति पत्नी के प्यार का प्रतीक माना जाता है। अगर आप जो भी गिफ्ट दे रहे हैं उसके साथ आपको लाल गुलाब तो आज के दिन अवश्य ही देना चाहिए। तो इन सभी नियमों का आपको पालन करना चाहिए और मंत्रों का जाप करके आपको इस दिन का व्रत पूर्ण करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।